वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। संडे है, संडे को फंडे बनाने के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ अपने बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे। इन्हें कहने का मतलब यह है कि लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज तो वैसे भी मोदी जी की मन की बात आने वाली है, तो उसको भी सुनिएगा अगर आप लोगों को टाइम लगे तो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या बातें करने वाले हैं इस COVID-19 के दौर में, और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की उनके माइंड में एक प्रक्रिया चल रही है, तो वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो 11 बजे बिल्कुल तैनात रहिएगा, उसको भी आप लोग जरूर सुनिएगा। बाकी अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है। बोला गया कि बिलीव इन योर सेल्फ। आप ही एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, अगर आप लोग अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई भी काम आप लोग आज के डेट में करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो रुकावट आप लोगों के सामने आती है वो अपने आप से आती है। दुनिया को तो बाद में पता चलता है कि आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, उसके बाद उससे पहले ही आप लोग अपने आप से ही खुद हार चुके होते हैं अगर उस काम को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और खुद जीत चुके होते हैं अगर उस काम को स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा कि डेली सबसे ज्यादा बार अगर आप लोग किसी के साथ में लड़ना होता है तो आप लोगों को अपने साथ में लड़ना होता है। तो अगर आप लोगों ने अपने आप को अपना दोस्त बना लिया तो ये समझिए कि दिन का स्टार्ट से लेकर रात को जब तक आप लोग बिस्तर पर जाएंगे, आप लोग कितनी बार अपने साथ में मिलकर अपने आप की लाइफ को अपने आप से एंजॉय कर रहे होंगे, और जो जो भी काम आप लोगों को लगता था ये नहीं हो पाएगा, आप लोग अपने आप को ही सपोर्ट कर उसको अचीव कर रहे होंगे। पर लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग अपने ऊपर विश्वास करें। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि यार ये काम पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप लोग अपने आप पर ही डाउट करने लगते हैं। ये सेल्फ डाउट वाली जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप लोग ये समझिए, इतनी खतरनाक है जो पड़ोस में बैठा हुआ अंकल है ना जो डेली टोकता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये आप लोगों को इतना इरिटेट कर देगी कि आप लोग किसको, आप लोगों को काम करने ही नहीं देगी। कुछ भी करो यार, गलती हो गई तो यार ये हो गया तो यार वो हो गया, तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठिए और ये सोचिए कि देखिए गलती तो होती है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। काम को करना स्टार्ट कीजिए, गलती होगी तो सुधार लेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं फीडबैक सिस्टम क्या होता है, यही तो होता है फीडबैक सिस्टम, कि जहां जहां गलती होती रहे उसको सुधारते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने एक बार माइंड में सेट कर ली तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस धरती पर जो आप लोग अचीव नहीं कर सकते। बस आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी मेरा बेसिकली बोलने का मतलब यही है यार, देखिए सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बैठकर शानदार तरीके से प्लान बनाकर अपनी स्टडी कीजिए और मन को अपना दोस्त बनाना सीखिए, अपने दिमाग को जो आप लोग अपोज करता है अपने साथ में रखना सीखिए, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आपने एक दिन बोला था कि पिक्चर दिया करूंगा पहचानो कौन, तो आज की ये पिक्चर आप लोगों के सामने, ये वो पर्सनैलिटी है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा न्यूज में है। आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन है, फिलहाल इनका नाम क्या है आप लोगों को ये बताना है, और रिसेंटली इनको अभी किसी एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया है, तो ये आप लोगों का पहचानो कौन, तो ये पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, आप लोगों को काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी। एक तो रियलिटी में जो मुझे काफी दिनों से वेट था, मैंने कहा इसके बारे में कुछ किया जाए, वो वाली जो न्यूज सामने निकल कर आई तो मुझे काफी अच्छा लगा। हमारी कंट्री में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक PM केयर फॉर चिल्ड्रन सपोर्ट की बात की जा रही है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपना पेरेंट्स जो कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी बच्चों की वो खो चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई जा रही है। तो ये जो स्कीम है ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बच्चों को फायदा पहुंचाने वाली है। इसमें कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पीएम केयर के बारे में जानिएगा। पीएम केयर एक ऐसा फंड था जो मार्च के महीने में यहाँ पर हमारी कंट्री में सामने निकल कर आया था। इसका बेसिक पर्पज क्या था, बेसिक पर्पज ये था कि COVID-19 से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हमारे देश में देखने को मिल रही है तो उसके साथ में लड़ा जाए। खासकर दवाई के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह के रिलेटेड भी हमारी कंट्री में काफी सारी जो फैसिलिटी है वो पीएम केयर फंड से ही निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से काफी कुछ फैसिलिटी यहाँ पर पीएम केयर फंड से प्रोवाइड कराई जा रही है। पीएम केयर नाम भी आप लोग देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर एक केयर करने के लिए फंड लाया गया, तो इसलिए उससे भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो फंड है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर रहता है, यानी कि वो इसको कंट्रोल करते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, तीन इंपॉर्टेंट मेंबर और इसके अंदर रहते हैं जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी कंट्री में दूसरी मिनिस्टर है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया और इसी के साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, ये तीन मिनिस्टर इसके अंडर मेंबर रहते हैं। ये एक तरीके का माइक्रो डोनेशन आप लोग या फिर आप लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल एक छोटे लेवल पर डोनेशन, 10 रुपए तक भी आप लोग इस फंड के अंदर डोनेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग पैसा कमाते हैं और आप लोग यहाँ पर इसके अंदर डोनेट करते हैं तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961
21 के तहत यहाँ पर जो 80Z फॉर्म भरा जाता है तो उसके तहत यहाँ पर आप लोगों को एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर पे कर देते हैं, पैसा डोनेट कर देते हैं, तो वो आप लोगों के टैक्स में इंक्लूड नहीं होगा कि हाँ आप लोगों को उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है, ठीक है। तो टैक्स से छूट यानी कि एग्जेम्पशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात एक और, यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, इसी तरीके से जो हमारी कंट्री में जो कंपनी है वो अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, यानी कि आप लोगों का इनकम टैक्स, उनका कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वहां पर ये क्या करते हैं, इनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो कंपनी है कॉर्पोरेट सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी करती है, इसका मतलब एक कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की सोशल यानी कि सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक तरीके से दायित्व। तो ये जो सोशल कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें कंपनी को अपना जो प्रॉफिट होता है सब कुछ शेयर यहां पर देना पड़ता है। तो अगर वो कंपनी भी यहां पर पीएम केयर में डोनेट करती है तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इनके द्वारा प्रोविजन किए गए, तब जाकर ये पीएम केयर फंड जो है ये बल्ले बल्ले हुआ, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा पैसा आ गया। तो पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म चलिए आप लोग बताइएगा, ये तो अब तक रट जाना चाहिए, इतनी बार तो आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें क्या अभी प्रोविजन किए गए हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पीएम केयर फंड से पहले क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर कोई और फंड था, तो वहां पर बोलेंगे जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि कोई और फंड नहीं था, ठीक है। इसके अंदर कई सारी स्टेटमेंट देकर एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुनोगे तो आंसर दे पाओगे। पीएम केयर फंड जो है ये नया फंड बनाया गया अभी 2020 में मार्च के महीने में। इससे पहले हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, रिलीफ मतलब अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वहां पर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, उसके लिए फंड हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये जो फंड था ये 1948 में ही क्रिएट कर दिया गया था, ताकि अगर कोई दिक्कत बनती है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है हमारी कंट्री में, कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई आसपास में कोई सूखा पड़ जाता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो इस फंड को यूज किया जाएगा। पास्ट में भी वो फंड यूज किया गया कई जगह, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में, साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, अगर बात करें तो आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में, ठीक है, बिहार के अंदर कई जगह बाढ़ देखने को मिली। तो इस तरीके से फंड यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही फंड आज के डेट में यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर जो अभी ये प्रोविजन इनके द्वारा लाए गए हैं उसके बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएम जो केयर है फॉर चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो कोविड 19 में जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनके लिए ये फंड यहां पर लाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये 10 लाख का फंड यहां पर बच्चों को दिया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से ये उनके नाम पर ये फंड क्रिएट किया जा रहा है। यहां पर जो बच्चे हैं आगे चलकर जब 18 साल की उम्र उनकी हो जाएगी तो वो अपनी लाइफ में इस फंड को कैसे यूज करना है वो यहां से निकाल सकते हैं। फिलहाल क्या रहेगा, फिलहाल ये रहेगा कि अगर देखिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो जैसे गवर्नमेंट के कई सारे स्कूल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सैनिक स्कूल हो गए, ठीक है, नवोदय विद्यालय हो गए, या फिर कोई भी रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं जैसे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए चलाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जहां पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सारी एजुकेशन का जो खर्चा है वो अपने ऊपर उठा रही है। किसी को ये लगता है कि यार ये तो गवर्नमेंट स्कूल है मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मुझे तो प्राइवेट में जाना है, तो अगर वो बच्चा बोलता है कि प्राइवेट में जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम केयर फंड से उसका पैसा देगी, जो कि ये काफी पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा यार, और का तो मुझे पता नहीं है पर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये बच्चे जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं आज के डेट में, अगर ये गलत संगति में पड़ गए तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात की जाए, अगर कुछ भी जैसे कि उनका किताब का खर्चा आना है, उनकी जो नोटबुक आनी है, या फिर उनकी जो ड्रेस आनी है, मतलब टोटल सारी जो यूनिफॉर्म वगैरह रहती है, ड्रेस तो नहीं यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, तो यहां से निकाल कर लाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन हमारी कंट्री में किया गया है। तो ये इसी के साथ में हेल्थ के बारे में अगर बात करें, तो आयुष्मान भारत हमारी कंट्री में ऑलरेडी स्कीम चल रही है, तो उसके तहत यहां पर इनको प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि कब से कब तक यहां पर ये रहने वाला है, तो याद रखिएगा 24th of March 2020 से लेकर ये रहने वाला है 24th of March 2022 तक का, ठीक है, यानी कि इसके बीच में जो भी बच्चे यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम यहां पर फेस करें तो उनके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर इन्हीं के लिए काम किया जा रहा है, अभी यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो लोग जिनके घर में एक ही कमाने वाला था, मान लीजिए 5 मेंबर है फैमिली में, ठीक है, 5 मेंबर कौन है, एक हस्बैंड एक वाइफ है, 3 बच्चे हैं, या फिर 5 मेंबर के 6 मेंबर हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गया, इसी के साथ में 2 बच्चे हो गए और उनके माता पिता है, ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर है। अब कमाने वाला अकेला ये यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सन था, जो यंग पर्सन था, वो अकेला प्राइवेट जॉब करता था, पूरे घर को चलाता था,
अब इसकी डेथ हो गई कोविड-19 के चलते, पांच लोग रह गए ना अलग से, अब पांच लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी इनडायरेक्ट में, तो ये समझिए पांच लोगों की जिंदगी पे बनाई है यहाँ पर, तो उसके लिए भी प्रोविजन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा यहाँ पर 18 साल की उम्र तक, जो प्रीमियम यहाँ पर पीएम केयर से जो निकल कर आएगा उससे फायदा पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर काफी कुछ जो बच्चों के लिए यहाँ पर ये किया गया है ये जो प्रोविजन, तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोग इसके बारे में क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए बातें करते हैं यहाँ पर कोविड-19 के बारे में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएम केयर ही लाया गया है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन भी, अगर कोई बच्चा आप लोग ऐसा दिखता है जिसके माँ बाप दोनों की जान चली गई है तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ये है बाल सेवा योजना, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स खो चुके हैं तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो ये मत बोलना कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया, ध्यान से सुनिए और एग्जाम में आंसर दीजिए और सोसाइटी में भी इसका फायदा पहुंचाइए। शिशु सेवा स्कीम स्टार्ट की गई आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो बच्चे अपने मां बाप खो चुके हैं आसाम गवर्नमेंट के द्वारा शिशु सेवा स्टार्ट की गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा यहां पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, जिसको एनसीपीसीआर आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा स्टेट और जो यूटीज हैं उनके लिए यहां पर बात की जा रही है कि जो बच्चे अपने मां बाप खो चुके हैं उनके लिए यहां पर एक तरीके से ये जिसको बाल स्वराज, यानी कि कोविड में जो प्रॉब्लम होगी यहां पर उनके लिए यहां पर बाल स्वराज ये कोविड केयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये किसका प्रोग्राम है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर का प्रोग्राम है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये कई सारे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अलग अलग एरिया से सामने निकल कर आ रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये कि अब इन चीजों के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना भविष्य है यार अपने देश का। आप लोगों को अगर एक मोटी मोटी मैं बातें बताऊं, आज की डेट में कोई भी कंट्री अगर कहीं अच्छी पोजिशन पर बैठी है तो वो अपने बच्चों को बहुत सीरियसली ले रही है वो कंट्री, अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में। और इसमें सबसे टॉप पर जो मुझे कंट्री लगती है जो सबसे अच्छे से इन चीजों को टैकल करती है वो लगती है जापान। जापान बहुत शानदार तरीके से फॉलो करती है। एक कुछ दिनों पहले एक न्यूज थी कि जापान के अंदर एक पर्टिकुलर गांव है, वो थोड़ा सा कटा हुआ है, साइड में है, ओनली वहां पर ट्रेन जाती है। तो उस गांव में एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो उस अकेली लड़की के लिए ट्रेन चलाई जा रही थी जापान के अंदर, समझ रहे हैं आप लोग, ताकि वो अपना स्कूल में जा सके। तो ये है जापान का डेडिकेशन अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो किसी चीज के साथ में आप लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके का डेडिकेशन जिस दिन हमारे देश में आ गया ना, सारा दुनिया जो है वो हमारे सामने घुटने टेक कर जिल्ले लाई करता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो करेगा कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफो कबूल करो, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की डेट में भी हमारी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी अगर देखें बड़ी बड़ी कंपनी वर्ल्ड में, जैसे आप लोग देखिएगा अगर नजर उठा के, हमारी कंट्री के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। नासा के अंदर चलाए जाए आधे से ज्यादा साइंटिस्ट हमारी कंट्री के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर्स की बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया भर के डॉक्टर्स हमारी कंट्री के ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं आज के डेट में। नर्सेस की बात करें, हमारी कंट्री के ऊपर लोग टिके हुए हैं, हमारी कंट्री के टीचर अलग अलग कंट्री में जाकर पढ़ा रहे हैं, खासकर अगर आज के डेट में आप लोग देखें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का टैलेंट है। अगर ढंग से फैसिलिटी मिल जाए तो फिर देखिए हम लोग क्या हंगामा मचाते हैं। तो वही चीजें देखते हैं कहां तक चीजें पहुंचती आगे चलकर। एक छोटी सी न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है बेसिकली यहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में। तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे के द्वारा ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में, किस तरीके से राज्यों के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो अब तक बोला जा रहा है कि 20,770 के करीब जो मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन यहां पर ये प्रोवाइड करा चुके हैं 15 राज्य को, जिसमें आप लोगों हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, आसाम, झारखंड, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसी के साथ में उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये एरिया आप लोगों यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में रिकवरी रेट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और पॉजिटिव जो रेट है वो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो अभी काफी कंट्रोल होते हुए जा रहे हैं हमारी कंट्री में। देखिए एक साइड में तो रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, एक साइड में अगर बात करिएगा आप लोग तो यहाँ पर पॉजिटिव रेट काफी कम है, एक साइड में यहाँ पर दवाइयां प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो तीनों साइड से आप लोग बोल सकते हैं कि कोविड-19 के ऊपर वार किया जा रहा है। तो इसके चलते अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि हम लोग इसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में, बोला जा रहा है कि मोर देन 21 करोड़ जो वैक्सीन डोजेज हैं वो अब तक एडमिनिस्टर की गई हैं। तो ये आने वाले टाइम में और अच्छे से हम लोग चीजों को प्रोवाइड कराएंगे, तो कोविड-19 के साथ में अच्छे खासे तरीके से यहां पर लड़ जा रहा है ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप लोग देखिए रिकवरी रेट है लगभग 3 लाख के करीब, और इसी के साथ में जो पॉजिटिव केस हुए हैं वो है 1,70,000 के करीब। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि एक मोटिवेट करने वाली फिगर है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर या जो भी आप लोग बोलिए जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात करिए, वेंटिलेटर के बारे में बात करिए,
या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बात करिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बारे में बात करिए, यहां पर ये सारे एरिया में यहां पर काम किया जा रहा है, ऑल ओवर राउंड यहां पर काम चल रहे हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये काफी सारे प्रोविजन हमारी कंट्री में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। ठीक है, यहां पर अभी बात करें मिजोरम के अंदर जो लॉकडाउन है वो 7 जून तक यहां पर बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात की जाए केरला के अंदर ये 9 जून तक अभी बढ़ा दिया गया है। ये जो पैटर्न चल रहा है वो उसी तरीके से चल रहा है कि टाइम टू टाइम जो है लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते रहे ताकि जनता जो है वो ज्यादा पैनिक न हो एकदम कि क्या हो गया, हाय राम ये क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, वो वाली चीज देखने को मिले। ठीक है, तो सिचुएशन को आराम आराम से लेकर यहां पर चलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है इसके साथ में कंफर्टेबल रहे। बाकी यहां पर अभी आप लोगों को पता है कि ये साइक्लोन देखने को मिला जिसका नाम था यास। ठीक है, तो यास का मतलब था, इसका नाम जो दिया गया ये दिया गया इसके द्वारा, ओमन के द्वारा, तो इसका जो मतलब था बेसिकली वो चलिए आप लोग बताइए, कई बार बता चुका हूं। तो यास जो साइक्लोन था यहां पर इसके द्वारा काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फैलाई गई, ये भी सुंदरबन वाले एरिया में। अगर आप लोगों को यहां पर मैं एरिया दिखाऊं तो यहां पर ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये माउथ ऑफ गंगेज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ये सुंदरबन डेल्टा यहां पर बनाती है जो कि वेस्ट बंगाल और आप लोगों को ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा क्यों नाम पड़ गया, यहां पर सुंदरी नाम का ट्री देखने को मिलता है जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। तो यहां से इधर से गंगा आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ये दोनों रिवर जाकर मिलती है तो फिर यहां पर जाकर ये डेल्टा बनाती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेगा, जो गंगा होती है वो जब जाकर एंट्री करती है यहां पर बांग्लादेश के अंदर उसको पद्मा बोल देते हैं, और यहां से ब्रह्मपुत्र आती है जब यहां पर बांग्लादेश के अंदर एंट्री करते हैं तो इसको जमुना बोल देते हैं, फिर आगे चलकर जब ये आगे चलकर गिरती है यहां पर ये इसको मेघना बोल देते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी यहां पर क्या बात की जा रही है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में बात की जा रही है। बहुत सारे लोग यहां पर रहा करते थे, एक टाइम ऐसा था कि लगभग 5 मिलियन के करीब लोग यहां पर रहते थे। 5 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन का हो गया लगभग 50 लाख के करीब लोग यहां पर रहते थे। तो 50 लाख के करीब जो लोग हैं वो काफी हद तक यहां पर आज के डेट में बहुत कम लोग यहां पर रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं, क्योंकि लगातार जब किसी इंसान को आप लोग टॉर्चर करते रहोगे तो वो उसके यहां से हटकर कोई अल्टरनेटिव एरिया ढूंढेगा, ऐसे इनके द्वारा किया गया। पहले 2019 में, अभी रिसेंटली ज्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ, 2019 में फैनी आया, ठीक है, 2019 में नवंबर में ही फिर यहां पर बुलबुल आया, ठीक है, फिर 2020 में मई के महीने में अम्फन आया, फिर अभी 2020 में मई 21 में मई के महीने में यास आ गया। तो कहने का मतलब यह कि जब लगातार साइक्लोन पर साइक्लोन आ रहे हैं धड़ाधड़, तो यहां पर लोग कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर जो लोग हैं उन्होंने यहां से अपना प्लान करना स्टार्ट कर दिया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जितने भी सारे साइक्लोन आए वो 100 से लेके 150 वाली स्पीड में रहे, यानी कि काफी इंटेंसिटी इन साइक्लोन की रही, ऐसा नहीं कि बस थोड़ी बहुत हवा आकर चली गई और ये फिर अपने आप को कंफर्टेबल कर ले, नहीं। और ये बिल्कुल कैसे लग रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला मौसमी जो रिवर होती हैं, जैसे साउथ इंडिया में जब जब मॉनसून आता है तो तब तब साउथ इंडिया में जो रिवर है वो अपना बहना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ तो एवरग्रीन रिवर होती हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है वो एवरग्रीन है। रीजन क्या है, रीजन ये सारी ग्लेशियर से पिंगल पिंगल कर निकल कर आता है पानी और वो फिर नीचे आता है। पर लेकिन साउथ इंडिया में जो रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो वाली रिवर है जब मॉनसून अच्छा खासा आता है तो पानी इकट्ठा होता है तो वो रिवर बहना स्टार्ट कर देती है, तो सीजनल रिवर इनको बोला जाता है। तो ये साइक्लोन भी ऐसे ही हो चुके हैं, जैसे सीजनल साइक्लोन आते हैं कि आएंगे ही आएंगे, तो जनता को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यार सीधा सीधा यहां पर ये है कि आप लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर एक ढांचा बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कल को अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो उसको टैकल कर सके, ऐसा कुछ माहौल आप लोगों को यहां पर तैयार करना पड़ेगा। और इसी के चलते यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो फिलहाल एक पर्टिकुलर आइलैंड का नाम यहां पर दिया गया है जिसका नाम है यहां पर घोरामारा, तो वो कंप्लीटली यहां पर पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है सी लेवल के बढ़ने से। तो बहुत सारे घर जो है वहां पर डूब चुके हैं, वहां पर लैंड काफी लार्ज स्केल पर डूब चुके हैं। इवन उनके जो रिलेटिव है जो दूसरे आइलैंड सागर पर रहते हैं वो उनको बुला रहे हैं कि यार यहां से छोड़कर निकल जाओ, पर तो लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि कैसे निकले, हमारे पास में तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो दिक्कतें कम नहीं है, पर लेकिन फिर भी धैर्य रखकर काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां आज के दिन में अगर आप लोग देखिए, हर एक इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है पर लेकिन वो उसके साथ में जूझ रहा है, लड़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो उसी को आगे लेकर चलें, कैसे सॉल्यूशन निकलना है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन काम करें, कुछ ये हिम्मत मारे तो वहां से चीजें आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां पर अभी बात की जा रही है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात की गई थी, आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में कल ही जो ये 43 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। तो इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को इकट्ठा करकर एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कि COVID-19 के रिलेटेड जो रिसेंसल है, जैसे दवाइयां हो गई, वेंटिलेटर या फिर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, तो इनके लिए क्या जीएसटी में छूट देनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं और 8 जून को ये बताएंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि इसको लेकर कैसे चलना है। तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं यहां पर, मेघालय के चीफ मिनिस्टर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर,
ये भी हैं, और इसी के साथ में जो डिप्टी सीएम है यहाँ पर महाराष्ट्र के, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काम अच्छा खासा करेंगे, तो देखते हैं कैसे सिचुएशन यहाँ पर सही तरीके से आगे चल पाती है। देखिए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन तो खत्म हो गए पर लेकिन रियलिटी में वेस्ट बंगाल के अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हुआ क्या था, यास साइक्लोन के इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसकी स्टडी करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर की मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई। ममता बनर्जी जी ने उसमें जाने से मना कर दिया। फिर ये पर्सनली प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश इनके द्वारा की गई, तो तीन बार रिक्वेस्ट की गई, उधर से वहां पर चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सबमिट कर अपना जो डॉक्यूमेंट था कि यास साइक्लोन से कितने सारे नुकसान यहां पर हुए, तो ये वो फिर वहां पर आ गई। इनका कोई और कमिटमेंट था फिर यहां पर पहुंच गई। तो इनके चलते जो इनके साथ में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था अल्पन बंदोपाध्याय, यानी कि ये यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ सेक्रेटरी हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये इनके साथ थे। तो अभी यहां पर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर देखिए चीफ मिनिस्टर है ना, वो इतनी सारी टेक्निकलिटीज नहीं जानता है जितनी जो आईएएस ऑफिसर होते हैं जो उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो जानते हैं। यानी कि नॉर्मली चीफ मिनिस्टर बस चीजों को देखता है, साइन करता है, उनके पीछे चला रहे होते हैं सिस्टम को ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। तो इसके चलते ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो टैकल किया जा रहा है ममता बनर्जी जी को, तो यहाँ पर जो चीफ जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा उनको ये सजेशन दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, एक डेपुटेशन होता है। डेपुटेशन में क्या करते हैं, ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बुला पाते हैं अपने यहां पर काम करने के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इधर उधर उसको पोस्ट कर देते हैं, डेपुटेशन होता है यहां पर ये, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेगा तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कैडर रूल है 1954 उसके तहत यहां पर बेसिकली इनको काम किया जाता है। तो अभी हमारी कंट्री में कुछ ऐसा हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं उसके द्वारा वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बोला गया कि वो रिपोर्ट करें नॉर्थ ब्लॉक में 10 बजे 31 तारीख को, यानी कि कल के दिन। यानी कि ये इनडायरेक्ट वे में जो स्टेट कैडर के अंदर जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, संघवाद का ढांचा जो है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसको हैम्पर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा साइक्लोन की मीटिंग अटेम्प्ट करने से मना कर दिया। तो अभी यहां पर उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इनको ये भी बोला जा रहा है कि ये काफी गलत है, यहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ममता बनर्जी जी ये बोल रही है कि वेस्ट बंगाल में हारने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तिलमिला रही है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो दोनों ही साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ममता बनर्जी जी अपनी साइड से कसर नहीं छोड़ रही है, उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी साइड से कसर नहीं छोड़ रही है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिसका खामियाजा यहां पर ये स्टेट को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है इस तरीके से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर से पर्सन को इस तरीके से बुलाना, अगर डेपुटेशन पे अगर भेजना है और सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी यहां पर मनमोटा है और वो उसमें वहां पर एक तरीके से सहमत नहीं बन पाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसके चलते अभी क्या सिस्टम आगे होगा तो वो देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं अभी फिलहाल, तो यार देखते हैं आगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है, पर जो भी अच्छा नहीं है। देखिए बेसिकली ये होना चाहिए कि जनता के द्वारा जो मैंडेट दे दिया गया उसको एक्सेप्ट करो और आगे लेकर चलो, पर लेकिन ऐसा रवैया देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आईपीएल के प्रेमी हैं, काफी दिनों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि सर आईपीएल का क्या होगा, सर आईपीएल होगा कि नहीं होगा, तो बीसीसीआई के द्वारा कंफर्म किया गया कि आईपीएल होगा। देखिए जहां पर पैसा लग जाता है ना, आप लोग ये समझिए वो चीज जो है ना कभी नहीं रुकती। ठीक है, तो आईपीएल जो है यहां पर ये इतना ह्यूज मनी इसके अंदर आता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और इंडिया की जो यहां पर बीसीसीआई है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। तो आईपीएल में देखिए कितने सारे प्लेयर को उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, अब सोचिए बीसीसीआई का क्या इसमें रहता होगा। तो इस तरीके से काफी ह्यूज ये हमारी कंट्री की जीडीपी में भी पे करते हैं। तो अभी ये जो है यूएई के अंदर होगा जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि आईपीएल जो है वो कंटिन्यू रहेगा और अभी यहां पर आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। कहां पर मिलने वाला है, तो ये यूएई बताया मैंने, ये अपनी प्यारी कंट्री। यहां पर थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोगों को देखो यूएई लेकर चलो, तो यहां पर आप लोग देखते ही हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, तो यहां पर आप लोगों को ये अभी आईपीएल होता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। तो कितने सारे लोग थे जो इसका वेट कर रहे थे, क्या रियलिटी में आप लोग इतना मतलब वेट कर रहे थे कि हाँ आईपीएल हो ही जा रहा है, आखिरी वो नहीं है एट द एंड ऑफ द डे की आईपीएल हो ही रहा है, हम लोगों ने करा दिया। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहां पर। तो ये काफी जो बेसिकली यहां पर इंडिया के अंदर जब चल रहा था तो COVID-19 के केसेस काफी सारे सामने निकल कर आए, तो उसके चलते जो चीजें हैं अब यहां पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बाकी यहां पर ये छोटी सी एक जो पिक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर,
ये जो होमलेस जो पीपल हैं उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कराने की यहाँ पर प्रोविजन है, जिसके चलते लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सके। आज के पेपर में पूरा एक पेज कवर किया गया यहाँ पर सुशील कुमार के ऊपर। सुशील कुमार देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर लगी वो ये थी कि सुशील कुमार और जिसको इनके द्वारा मारा गया है, उन दोनों में रिलेशन जब पूछा गया लोगों से कि कैसा रिलेशन था, तो इनमें बिल्कुल टीचर और एक यानी कि गुरु और चेले वाला रिलेशन था। यानी कि इनके द्वारा अपने चेले को ही मार दिया गया, ऐसी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो जो पर्सन था जिसका नाम था सागर, वो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर था यहाँ पर। ये फैमिली वाले दिखा रहे हैं कि कई सारे मेडल उनके द्वारा जीते गए, एक अच्छा खासा प्लेयर था, पर लेकिन कई सारी पर्सनल जो रंजिश है उसके चलते यहाँ पर ये चीजें अभी देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी यही बात की जा रही है कि ओलंपिक जो मेडलिस्ट, इसी के साथ में पद्मश्री अवॉर्डी नाम भी लिखा जा रहा है पूरा, कि सुशील कुमार के द्वारा जो अभी यहाँ पर चीजें देखने को मिली, छत्रसाल स्टेडियम जो दिल्ली के अंदर है उस पर इनका एक छत्र सा एक पूरा छत्र छाया थी इनकी, और काफी सारे लोग काफी कुछ सीख रहे थे, मोटिवेट इनसे होते थे। पर लेकिन अभी क्या सिचुएशन है ये थोड़ी सी सोचने वाली एक दयनीय कंडीशन यहाँ पर बन गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। येल्लो ब्लैक और व्हाइट, यानी कि येल्लो और ब्लैक में काफी कुछ यहाँ पर केसेस देखने मिले, ब्लैक और व्हाइट में अब यहाँ पर येल्लो ये फंगस भी यहाँ पर देखने को मिला। एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई जो 59 ईयर ओल्ड है, उसके अंदर तीनों जो फंगस हैं उनके तीनों के सिम्टम्स यहाँ पर पाए गए। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं जो ज्यादातर तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा गिर चुका है, कोई और बीमारी है उसकी वजह से उनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मरीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और एक तरीके से ऐसा नहीं कि अपने आप डॉक्टर बन जाए, तो वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अभी यहां पर संपूर्ण क्रांति दिवस की बात की जा रही है 5 जून को। आप लोगों को पता है अभी यहां पर 6 महीने पूरे हो गए किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए, तो 6 महीने के बाद में भी यहां पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है जिसमें कि चीजों को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके। तो यहां पर जो अभी बात की जाए यहां पर संपूर्ण क्रांति दिवस, तो 5 जून 1974 जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति डिक्लेयर की गई थी, तो वहां से इसको कंपेयर किया जा रहा है। मतलब क्या था इसका, मतलब यह था आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 1975 से लेके 1977 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही। तो ये जो इमरजेंसी रही, उस इमरजेंसी को ध्यान में रखते जो चीजें चली वो ये थी कि हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट किए गए काफी लार्ज स्केल पर, और जयप्रकाश नारायण साहब ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो उस टाइम पर उनके द्वारा लगा कि जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी चलाने लगी है, तो संपूर्ण क्रांति उनके द्वारा डिक्लेयर कर दी गई 5 जून 1974 में। तो वही 5 जून को ध्यान में रखते हुए किसानों के द्वारा भी अपनी संपूर्ण क्रांति की बात यहां पर की जा रही है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए बैकग्राउंड में जाकर, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। और एक तरीके से जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको भी ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, क्योंकि वो भी किसानों के नेता माने जाते थे, तो उनसे भी कनेक्ट कर यहां पर चीजों को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगे जिसके बारे में याद रखेगा। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो यूएसए के जो यहां पर जो पर्सनैलिटी है उनके द्वारा मिलकर बात की गई, डिस्कशन किया गया, तो क्या क्या मुद्दे यहां पर देखने को मिले उनके बारे में समझते हैं। तो मिले कौन यहां पर, स्टेट एंटोनी जो बिल्कन है यहां पर स्टेट सेक्रेटरी यूएसए के, और हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर मिला गया। तो कई सारे मुद्दों पर बात की गई, वो मुद्दे क्या हैं पहले उनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही कि COVID-19 को यार कैसे टैकल करना है, उसकी दवाई के बारे में क्या बात करती है, वैक्सीन को कैसे लेकर चलना है, ये मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर एक और है कि क्वाड को लेकर कैसे चलना है, क्या क्वाड ग्रुप को आगे लेकर चल सकते हैं जिसमें कौन कौन है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ताकि यहां पर COVID-19 को टैकल किया जा सके, वहां भी क्वाड का यूज हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है। तीसरा यहां पर जो वैक्सीन है उसका ऑथराइजेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो वैक्सीन है उसके पेटेंट में क्या कोई छूट दी जा सकती है ताकि वैक्सीन को अच्छे लेवल पर लेकर चल सके। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंडिया और चाइना की जो अभी रस्साकसी चल रही है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसको आगे लेकर कैसे चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। बॉर्डर पर जो अभी रस्साकसी देखने को मिल रही है उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो यानी कि एक तरीके से क्वाड ग्रुप को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। और चाइना तो हमेशा से बोल ही रहा है कि क्वाड ग्रुप जो है वो मुझे यहां पर नीचे दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो भी सारी बातें जो भी है, पर लेकिन हाँ सही है कि सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। आगे पी चिदंबरम साहब के द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं, तो कैग के हाथ में मैटर दे देना चाहिए, किससे रिलेटेड कि अभी रिसेंटली जो वैक्सीन जो अभी रिसेंटली वैक्सीन वगैरह जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो वो कैसे लेकर यहां पर चली जा रही है, यानी कि एक तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो इसलिए कैग को ये पावर देने की बात की जा रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप लोग इसको बोलते हैं, तो ये हमारी कंट्री में एक आर्टिकल है जो याद रखेगा, आर्टिकल 148 संविधान के अंदर, तो वहां से कैग आप लोगों के लिए निकल कर आता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है,
तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है आज के डेट में। कैग कौन है हमारी कंट्री में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। और वो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर से भी रहा, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, ठीक है। तो ये अभी यहां पर हमारी कंट्री में कैग की पोस्ट पर है, तो आप लोग यहां पर बताना है इनके बारे में। आर्टिकल अगर संविधान में आप लोग देखेंगे टोटल मिलाकर तो 148 से लेके 151 आर्टिकल तक यहां पर कैग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कैग को जो रखा जाता है 9th पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। सेम स्टेटस मिलता है कैग को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके इक्विवेलेंट आप लोगों को यहां पर जो भी प्रेसिडेंट्स होता है उसमें इनको रखा गया है, ठीक है। फिलहाल प्रेजेंट नंबर पर जो कैग है ये हमारी कंट्री के 14th नंबर के कैग है, 14वें नंबर के कैग। तो आप लोगों को ये बताना है यहां पर कि यहां पर अभी फिलहाल कैग कौन है। तो ये यहां पर बोला गया कि क्या क्या सप्लाई हो रही है, उसके अंदर क्या मिसमैच हो रहा है, कौन से राज्यों को कितनी दवाई दी जा रही है, उसके बारे में एक स्टडी कैग को करनी चाहिए यहां पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे बच्चों के बारे में भी हम लोगों ने बात की कि बच्चों के जिनके माँ बाप एक तरीके से गुजर चुके हैं उनके बारे में फोकस देना है। एक सेक्स वर्कर काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, वो महिलाएं जो अपने देह का व्यापार करके अपना पेट पूजा करती हैं, तो ये वर्कर काफी लार्ज स्केल पर फिलहाल जो है अभी इनके पास में कोई भी रिवेन्यू एक कमाने का कोई साधन नहीं है, तो वो भूखी मर जाएंगी। तो उनके लिए क्या किया जाए, तो उसके ऊपर भी यहां पर बात की जा रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि इनके बारे में भी सोचो कि इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये सारी चीजें भी यहां पर ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। देखिए हर एक सेक्शन सोसाइटी का इंक्लूड करके चलना है, तभी जाकर सिचुएशन को हम लोग सुधार पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, अभी हमारी कंट्री में बोला गया था कि तीन कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनके अंदर जो माइनॉरिटी है, जो यहां पर देखिए मेजोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी होगी, माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है, जो दूसरी कम्युनिटी है, तो काफी लार्ज स्केल पर कई बार अत्याचार होता हुआ उनके ऊपर नजर आता है, ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसको हम लोगों ने बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पर ये जो एक्ट लाया गया इसमें ये बोला गया कि यहां पर जो भी माइनॉरिटी है उनको अपनी कंट्री में लाया जाएगा, खासकर अगर वो हमारी कंट्री में सिटीजनशिप लेना चाहती है। तो बहुत सारी माइनॉरिटी अब तक यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो अभी उनको यहां पर सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। तो 13 मोर जो कलेक्टर हैं वो ग्रांट कर सकते हैं सिटीजनशिप, यानी कि जो कलेक्टर को यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। बेसिकली यहां पर हमारी कंट्री में जो एक्ट यूज किया जा रहा है वो किसके तहत यहां पर काम किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से यहां पर जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले जाए एग्जाम में तो आप लोग फिर हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे बन गए, कहां से आ गया। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है आप लोगों के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बाई वीर सर्च कर लेना, कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। ये एक वीडियो कल वायरल हो रही थी, अगर आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, भरतपुर के अंदर एक गाड़ी थी जिसमें डॉक्टर उसकी वाइफ थी, एक मोटरसाइकिल सवार दो लोग आए, इनके द्वारा गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी गई, फिर दोनों उतरे मोटरसाइकिल पे से और यहां पर खिड़की के पास में गए इनके इसके पास में और यहां पर बंदूक निकाली और शूट कर दिया दोनों को शूट करे और बाद में फायर करी गाड़ी के ऊपर और फिर भाग गई और यहां पर दोनों हस्बैंड और वाइफ की यहां पर इंस्टेंटली यहां पर इनकी मौत हो गई। आखिर ये सिचुएशन देखने को कैसे मिली, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अत्याचार कर दिया गया दोनों लोगों के द्वारा और ये हरकतें देखने को मिली, पर लेकिन वही कहते हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी कि उसके कवर के द्वारा आप लोग उसको जज न करिए। ये जो डॉक्टर जिनकी अभी डेथ हुई है इन डॉक्टर के ऊपर आरोप था, यहां पर ये जेल में भी गए थे, यहां पर इनके ऊपर आरोप ये है कि इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक वुमेन और उसके बच्चे को जलाकर मार दिया गया था। तो ये जो लोग जिन्होंने इन डॉक्टर को यहां पर गोली मारी है, ये माना जा रहा है कि ये एक तो उसका भाई है वुमेन का और एक उसका कजन है जिनके द्वारा यहां पर ये बदला लिया गया है। तो एक रंजिश का केस यहां पर सामने निकलने के देखने को मिला जो कि कंप्लीटली पूरा सीसीटीवी जो फुटेज थे उसके अंदर ये कवर कर लिया गया। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो देखिए इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना इस तरीके से कि वो सही नहीं है कि किसने क्या कर रखा है, किसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप लोग क्या जाने मैं क्या जानूं, पर लेकिन हाँ ये है कि ऐसी रंजिश के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी यहां पर लेफ्टिनेंट जो निकिता कौल है, जो कि यहां पर लेफ्टिनेंट निकिता कौल वाइफ जो ऑफिसर जो किल हुए थे जो पुलवामा अटैक के अंदर, अभी उनके द्वारा आर्मी ज्वाइन कर ली गई है। तो एक प्राउड मोमेंट आप लोग बोल सकते हैं कि हस्बैंड के द्वारा आर्मी को सर्व किया गया, अब यहां पर इनके द्वारा भी आर्मी को ज्वाइन कर लिया गया है। तो एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं महिला आगे निकल कर आई और उनके द्वारा इसको बेसिकली अचीव किया गया। टोटल 167 जो जेंटलमैन जो कैडेट्स हैं, 31 वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत यहां पर इनकी अकेडमी जो चेन्नई है वो इनके द्वारा पास कर ली गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है जिस तरीके से अभी चीजें देखने को मिल रही है। 5 जो आप लोगों को देखने को यहां पर 5 जेंटलमैन कैडेट्स और 7 वुमेन ये भूटान से देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में जो सर्विस है यहां पर ये भूटान भी आप लोगों को इंक्लूडेड रहता है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में देकर पूछ ले तो ये मत बोलना ये कहां से आ गया, ठीक है। अभी आप लोगों को याद रखना है
यहां पर अगर बात करें तो एशियन बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप चल रही है वो चल रही है दुबई में, ठीक है, यूएई जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बताया, ठीक है। सिक्स टाइम चैंपियन जो मैरी कॉम है वो भी यहां पर अभी यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और भी कई सारे बॉक्सर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये चैंपियनशिप कहां पर हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट करना है, हु वॉज द वॉइसराय जो ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप लोगों को ये बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, इसलिए पढ़िए आप लोगों ने। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन, क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद दीजिएगा। कल के वीडियो में आप लोगों को आंसर बता दूंगा अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए, वरना आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका और कब की ये घटना है आप लोगों को बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है हिस्ट्री में काफी इंपोर्टेंस रखता है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करते रहिए, और पीएम मोदी के मन की बात जरूर सुनिएगा, जो कि आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। आंसर जरूर बताइएगा इसका, ठीक है, आंसर देखता हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कम्युनिटी में भी टैग करूंगा, वहां पर भी आप लोग देखिएगा इसको, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।